ऐसा मत करो, प्लीज आप बीच में मत आए। देखो मैंने हमेशा तुम्हारा और तैमूर का भला चाहा है। आपके ये झूठे ड्रामे और मकरू फरेब में ना तैमूर आ सकता है, मैं नहीं। और तैमूर ने जो मेरे साथ किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं सारा, ऐसा कुछ नहीं है। तैमूर ने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। वो लड़की तुम्हारी, वो क्या, वो आसमान से उतरी है? उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तैमूर हर बार झूठ कहकर मुझे बहलाता रहा। सुनो, हो सकता है किंसा ठीक कह रही हो। यार प्लीज मामा, आप इनके झूठ का साथ मत दें, वरना मैं खुद को मार दूंगी। मामा, सब कुछ देखते हुए भी आप इन्हें सच्चा कैसे कह सकती हैं? हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो ना। मामा, गलत फहमी तब होती ना जब मैंने अपनी आंखों से इन्हें देखा नहीं होता। क्या तुमने उस लड़की के साथ उसे देखा और हमें नहीं बताया? कैसे बताती मैं, मेरी आंखों पर तो तैमूर की मोहब्बत की पट्टी बन गई थी, मैं अंधी हो गई थी। जो तैमूर कहता था मैं मान लिया करती थी। मामा, मैंने तो सच्चे दिल से तैमूर को चाहा था, उसने मुझे धोखा दे दी। अच्छा हुआ उसकी हकीकत शादी से पहले पता चल गई, वो इस काबिल ही नहीं था। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मामा, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मुझे ये शादी नहीं करनी। सारा? यार यासिर, तू अम्मा से कह सकता है कि वो तेरा चाचा जो है वीजा देने से इनकार कर रहा है। अबे चाचा ने कहा है कि अगले महीने वो वीजा पहुंचा देंगे, तू बस पैसों का इंतजाम करके रख यार। अबे कहा ना मैंने तेरे से, नहीं जाना मुझे कहीं भी। अबे पागल हो गया है क्या? हाँ कब तक हम लोगों को लूटकर अपना गुजर बसर करेंगे यार? और तू यहाँ पे रहकर करेगा क्या, अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा क्या? तुझे पता है असल में मेरी जिंदगी बर्बाद कहाँ होगी? दुबई जाकर, यहाँ नहीं। क्या उल फुल बक रहा है यार? हाँ देख मेरे भाई, अगर हम वहां पर एक साथ जाएंगे ना तो थोड़ा टाइम हम लोग चिल भी कर लिया करेंगे। देख अगर मैं वहां पर अकेला गया ना तो यार पागल हो जाऊंगा यार मैं। तेरे चिल के चक्करों में मैं अपने दिल का कत्ल कर दूं। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ क्या? अबे यार ये पैसों की फटीक मेरे पे नहीं है, अम्मा का मसला है। अम्मा जाने, वो खुद ही अरेंज कर लेगी पैसा वैसा। क्या मतलब? अभी तक तू बात नहीं समझा। अबे तो समझा देना यार। देख भाई वो फलक है ना, मेरे जाते ही अम्मा उसकी शादी कहीं और करा दी, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फलक वो तेरी कजन जो तेरे घर पे रहती है? अभी तू उससे प्यार करता है? पढ़ाई के तू छुपा रुस्तम निकला और अंदर से मजनू। अच्छा बेटा, जब भी तू दुबई जाने से इनकार कर रहा है। अबे जा यार, नौकरी का क्या, वो तो कहीं मिल जाएगी। पर प्यार तो हर जगह नहीं मिल सकता ना यार। एक आइडिया है, एक काम कर, तू खाला से बोल के ठीक है तू दुबई जा रहे है, पर जाने से पहले तेरा और फलक का निकाह करवा दे। दुनिया के किसी भी कोने पे तू चला जा, फलक तेरी ही रहेगी। आइडिया दिया है मेरे दोस्त, क्या आइडिया दिया तूने, है ना यार। वो भूख लगी है कुछ। चल तेरा भाई तुझे खाना खिला। आ जा जा जा। आज तूने गैरत। अरे मेरा दोस्त, आज गैरत खाई है तूने। तेज है, आज तूने गैरत खाई है। चल जाने। सारा मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। जो भी बात है वो यही सबके सामने होगी। सारा तैमूर की बात तो सुनो, इसको इतना हक तो बनता है कि अपनी सफाई बयान कर सके। सारा बिल्कुल ठीक कह रही हो, बात सबके सामने होगी। इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद जरा हम भी तो सुने। मैंने कहा ना कि मुझे सिर्फ सारा से अकेले में बात करनी है। तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है? अभी तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शादी से पहले तुम्हारी हकीकत हमारे सामने आ गई, वरना मेरी बहन कहीं की नहीं रहती। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जानता तक नहीं उस लड़की को मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रही है। समझ क्यों नहीं आ रही आप लोगों को यार? ये बात तुम पहले भी कह चुके हो, अभी कोई सॉलिड फैक्ट्स है तो कहो, वरना वरना क्या जारा? वरना मैं तुमसे शादी तो क्या, कोई भी ताल्लुक रखना खुद की तौहीन समझूंगी।
सारा पागल हो गई हो तुम? बात इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम तैमूर से शादी करने से इनकार कर दो। हमारी बेइज्जती है इसमें। तो आपकी नजर में इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तैमूर, तुमने मेरी ही नहीं, मेरी मोहब्बत की, मेरे जज्बों की इंसल्ट की है। मेरे होते हुए तुम किसी और में इन्वॉल्व थे। ये कड़वा सच मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ये सच। सारा संभालो खुद। प्लीज आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। मैं तुमसे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा सारा। सारा, सारा की कसम, ये सारे अमीर लोग ना दिल के फकीर होते हैं, कमीने। अब क्या हो गया सोनिया? एक तो हमें घर छोड़ गए, शादी पर नहीं लेकर गए। कितना शौक था मुझे शादी में शिरकत का, और किंजा भी बेइज्जत करके घर छोड़कर चली गई। तो परेशानी वाली कौन सी बात है? वलीमे पे चली जाना, आप ही ने वैसे भी कहा है कि हम सब वलीमे पे जाएंगे। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम्हें तो ना किसी चीज का शौक है और ना होश। लड़कियों वाला ना कोई ही शौक कुछ भी नहीं है तुम्हें। जुल्फी को जो पटा लिया और क्या चाहिए? सोनिया, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं जो तुम्हारे मुंह में आए तुम बकती जाओ। नहीं, क्या करोगी तुम? बताओ मुझे क्या करोगी? गला दबा दोगी मेरा? इतनी हिम्मत है तुम में? मेरी हिम्मत का इम्तिहान लोगी ना तुम, मुश्किल में पड़ जाओगी। तुम्हें जिस बात की अकड़ है ना, देखना अम्मा तुम्हें कैसे खाक चटाती, फिर तुम्हें पता चलेगा। जरा उनके सामने दिखाना ही है नखरे। लोगों के लिए घटिया खाना छोड़ के चले गए, खुद वहां मजे से खाने खा रहे होंगे। अल्लाह करके ना सारों के पेट खराब हो जाए। मेरे नसीब में नहीं हुआ ना, किसी के भी नसीब में ना। किसी को वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना खून जलाओगी तुम। तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम जब भी बोलती हो ना मुझे जहर लगती हो। ये अच्छी बात ना मुंह से निकालना, तुम देखना सबके पेट खराब होंगे। मेरे नसीब में नहीं हुआ खाना ना, तो किसी के नसीब में नहीं होगा। अल्लाह की दाबी को भी पूछे। सारा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर उन तस्वीरों में मैं किसी एक्स वाई जी के साथ होती तो तुम ये सब सुनते जो तुम मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बिल्कुल सुनता सारा, सच जानने की कोशिश करता। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि किसी के साथ भी तुम्हारी तस्वीर होती और मैं रिश्ता तोड़ने पर उतर आता। हाँ, मैं हूं इतनी बेवकूफ। सारा प्लीज। बस, अब कुछ भी कहने या सुनने को बाकी नहीं रहा। सारा प्लीज ऐसी बातें ना करो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। ये बात अगर तुमने पहले कही होती ना तो मैं खुशी से मर जाती, लेकिन अब नहीं। सर, हमारी मोहब्बत, हमारा ताल्लुक क्या इतना कमजोर है कि कोई भी फेक पिक्चर्स दिखाएगा तुम उसे तोड़ दोगी? अब तुम जब भी इजहार मोहब्बत करोगे ना मुझसे, तो मुझे तुम पर, तुम्हारे जज्बों पर शक होता रहेगा। सारा, तुम मुझे वो बताओ जिससे तुम्हारा दिल साफ हो, मैं वो कर लूंगा। आईने पर बाल आ जाए ना तो वो कभी पहले जैसा नहीं हो। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है अगर तुम चाहो जारा। ठीक है, तुम अभी जाओ और उस लड़की को वापस लेकर आओ, और ये साबित करो कि वो जो तस्वीरें थी या उसने जो कुछ कहा था वो सब झूठ था, धोखा था, तो शायद। जारा, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, मैं कहां से तलाश करूंगा? अगर तुम ये नहीं कर सकते तो वापस चले जाओ। मेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। कभी कभी ऐसा लगे के फासले न कम होंगे। सारा, क्या मैं समझूं अगले सफर में हम सफर ना हम होंगे।
पता नहीं क्या तमाशा लगा रखा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये लड़की थी कौन, उसे किसने भेजा था और उसका मकसद क्या था? हमें परेशान करने के अलावा उसका क्या मकसद हो सकता है? किंजा मुझे नहीं लगता कि ये लोग रुखसती करेंगे, ये सब इससे बहुत गुस्से में। शहजाद को शक नहीं बल्कि यकीन हो गया, खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। रुखसती का सवाल तो तब पैदा होता ना जब निकाह हुआ होता, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरा भाई ऐसा नहीं है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो लड़की जिस बेखौफी के साथ तैमूर की और अपनी तस्वीरें दिखा रही थी, मुझे नहीं लगता कि उन तस्वीरों को देखकर किसी को भी तैमूर की बेगुनाही पर यकीन आएगा। तुम जाओ, जाके देखो, हो सकता है कि तैमूर ने ज़ारा को मना लिया हो, बात बन गई हो। देखती हूँ। भाभी आप लोग यहाँ पे रुके, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? जिसने ये सारा मसला क्रिएट किया उसको मैं ढूंढने जा रहा हूँ। सोनिया, अभी तक उन लोगों को आ जाना चाहिए था, अभी तक कोई नहीं आया। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? क्या दुल्हन आ गई? अभी तक नहीं आई, इसी बात की तो फिक्र है। तो जाओ अपनी फिक्र गम परेशानी एक प्लेट में डालो, आंसू छिड़ाकर खा जाओ और मेरी जान छोड़ो, सोने दो मुझे। अगर तुम्हें किसी ने सोते हुए देख लिया क्या करेंगे हम? अभी तक कोई आया तो नहीं है ना, जब आ जाएगा तो मुझे उठा देना। अभी तो मैं मजे के ख्वाब देख रही थी यार, मेरा राजकुमार कब आएगा? जाओ मुझे अपने राजकुमार को ना ख्वाबों में देखने दो, जाओ सोने दो मुझे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाय सुनो ना यार, अभी मुझे जगाना नहीं। तुम अभी तक यहीं हो? तुमसे मैंने क्या कहा था? तुमसे मैंने कहा था कि मुझसे कांटेक्ट नहीं करना, मैं खुद तुम्हें बता दूंगी जो कुछ भी होगा। किसको फोन कर रही है? किसको फोन कर रही है? तैमूर को। फोन ही नहीं उठा रहा। वो अभी फोन कहाँ उठाएगा किंसा? बहुत गुस्से में गया है, मैं खुद उसके लिए बहुत परेशान हूँ। परेशानी तो बनती है ना, बात इतनी बड़ी हो गई है। क्या मतलब है किंसा, तुम्हें भी ऐसा लगता है? जाहिर है दोनों क्लास वाले तो रह चुके हैं ना, और मिलना जुलना भी था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उनका ताल्लुक कितना बढ़ चुका है। खैर सोच सोच के मेरा तो दिमाग बंद हो जाएगा। अरे क्या कह रहे हैं? मैंने इतना कुछ बोल दिया तुझे सुनाई नहीं आया अम्मा? अब सुन, मैं दुबई तभी जाऊंगा जब तू मेरा निकाह फलक से कराएगी। आई आवाज तुझे? अरे जब से तूने ऊंची उड़ान भरनी शुरू कर दी है ना, मैं भी जरा ऊंची सुनना शुरू हो गई हूँ, अब आया समझ में? क्या बात है, मेरी माँ इतना हैवी आएगी, ऐसे ऐसे जुमले बोलेगी, दिल जीत लिया तू। ऐ जुल्फी तुझे जरा भी एहसास नहीं है अपनी माँ का, कसम खुदा की सारा सारा दिन इस घर के काम करती रहती हूँ, मेरी हड्डियों में दर्दें शुरू हो गई हैं। अरे घर के काम को तो छोड़ो, वो जो समोसे वगैरह बनाती हूँ, पूरा पूरा दिन मेरा गुजर जाता है
तेरे दिल में जरा सा भी एहसास नहीं आता कि चलो भाई माँ का हाथ बटा दूं। कहा था ना तुझे, क्यों भेजा तूने फलक को उधर, अब सब कुछ खुद ही भुगत। अच्छा, अगर फलक को वहाँ ना भेजती तो ये जो बिजली का इतना ज्यादा बिल आया हुआ था ये कौन भरता, और वो जो सौदे वाले के पैसे दिए वो कौन देता, सब्जी वाले के पैसे कौन देता, कहाँ से देती मैं, मेरे बाप की मिले चल रही है यहाँ पे। ये सब कुछ मेरा काम मामनी है। हाँ बेटा, तेरा कोई काम नहीं है, तेरा सिर्फ एक ही काम है, रोटी ठूसता रहे या आवारा गर्दी करता रहे गली मोहल्लों में, बस तेरा ये काम है ना। खुदा की कसम, मुझे कभी कभी अम्मा ऐसा लगता है मैं तेरी सगी औलाद नहीं, तूने किसी से गोद लिया है मुझे। काश के मैंने तुझे किसी से गोद लिया होता। अरे ये माँ के दिल से पूछ, अगर गोद लिया होता ना तो चलो अपने दिल पे पत्थर रख लेती, लेकिन मेरी किस्मत फूटी कि तू मेरा सगा बच्चा है, मेरी सगी औलाद है, तभी तुझे इतना बर्दाश्त कर रही हूँ। अब तुझे जो समझना है तू समझ, जो कहना है तू कह, मैंने जो कहना था वो कह दिया है? अब ये पट्टी तुझे किसने पढ़ाई? तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है, कम अकल समझा हुआ है मुझे तूने? हाँ मैं वहां दुबई में दिन रात मेहनत करूं, नौकरी करूं, कमाऊं, मजदूरियां करूं, और तू यहाँ मेरी फलक को किसी का चलता फिरता कर दे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ तेरे अम्मा, क्या बकवास किए जा रहा है तू? और हाँ, कान खोल के ये मेरी बात सुन, मैं दुबई तभी जाऊंगा जब तू मेरा निकाह फलक से करवाएगी, वरना मेरी तरफ से तू जो है ना इनकार समझ। अरे मेरी बात सुन, अरे ओ बावले, तो हरा में माँ का जरा सा भी एहसास हो, इस लड़के को चला गया आवारा गर्दी करने के लिए, अपनी बातें मतलब की खाना ठूसा, शादी की बात शादी करवा दो भाई इसकी, एक टका नहीं कमा के लाता और शादियों की शौक चढ़े हुए, अजीब लड़के आ गए आजकल के। तैमूर कहाँ हो तुम? जानते हो बारात में आए हुए सारे लोग वापस चले गए, एन वक्त पर निकाह होते होते क्यों रुक गया? हर कोई मुझसे यही सवाल पूछ रहा था और मेरे पास उनके सवालों के कोई जवाब नहीं थे। मुझे किसी की परवाह नहीं है भाभी। देखो ये दुनियादारी है, हमें लोगों की परवाह करनी पड़ती है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। ये मेरी इज्जत का मामला है भाभी, दाग मेरे पे लगा है, उसका कौन सवाल करेगा, कौन क्या कहता है क्या बात करता है मुझे किसी की परवाह नहीं है। जब तक इल्जाम धो नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। तो मर्द हो, तुम्हें अपने किरदार की सफाई देने की क्या जरूरत है, कौन तुमसे गवाही मांगेगा? मर्द तो इधर उधर देख ही लिया करते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं करूंगी सायरा खाला और जारा से बात। एक लड़की के कहने पर इतना तूफान मचाने की क्या जरूरत थी, जिंदगी और मौत का मसला ही बना लिया उन लोगों ने। अब तो ये मेरे लिए भी चैलेंज है भाभी, जब तक उस लड़की को मैं ढूंढ के नहीं ले आता, अपना दाग धो नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कहाँ है तैमूर, बात हुई उससे तुम्हारी? तैमूर को तो पता नहीं क्या हो गया है, उस लड़की को ढूंढने गया है, मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी बात ही नहीं मान रहा। वो बहुत हर्ट हुआ है किंसा, मेरा भाई बिल्कुल ऐसा नहीं है, मुझे यकीन है। आपने बच्चों को घर भिजवा दिया? हाँ बच्चे चले गए हैं ड्राइवर के साथ, कितने खुश थे दोनों कि उनके चाचू की शादी है, मगर
रहे हैं? मुझे पता था तुम जरूर आओगे, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए और अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए। अपनी बकवास बंद करो, समझ आई? तुम जैसी लड़कियों से मैं बात भी नहीं करना पसंद करता। हाँ, जब भी मेरे सामने खड़े हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, वैसे अगर ना चलूं तो? मैं जिस तरह तुम्हें लेकर जाऊंगा ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सोच सकती हूँ। वो क्या है ना कि तुम जैसे अमीर जादू की ताकत पैसे के नशे से शुरू होकर उसी पे खत्म हो जाती है। बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ। हाँ, छोड़ो मेरा, जब तुम्हें मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना तो। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ ऐसी चलने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? ओ, मैंने पूछा है तुमसे कुछ, कितने पैसे चाहिए थे तुम? पैसे? मतलब अब तुम भी मुझे पैसे दोगे मुंह बंद रखने के लिए? You know what? मुझे जो चाहिए था ना तुमसे, तुम मुझे कभी नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। किसने तुम्हें इस्तेमाल किया मेरे खिलाफ? अगर बता दिया ना तो तुम मेरे सामने खड़े रहने के काबिल नहीं रहोगे। छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। ये सिर्फ हमारी इज्जत का ही नहीं बल्कि हम दोनों फैमिलीज के इज्जत का भी मामला है। ये बात तुम लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी। माफ कीजिएगा सुहेल भाई, इज्जत सिर्फ लड़की वालों की होती है। खुदा न खास्ता अगर ये इल्जाम मेरी बहन पर लगा होता, आप और आपके भाई क्या उसे माफ करने को तैयार होते? कभी भी नहीं। महज एक लड़की के आकर कुछ भी कह देने से हमारा तैमूर गुनाहगार हो गया? उसने सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया था, सबूत भी थे उसके पास। ऐसे लाखों सबूत ना हम भी लेकर आ सकते हैं। आजकल के दौर में फेक वीडियोस और तस्वीरें बनवाना कौन सा मुश्किल काम है? बात सिर्फ एतबार की है, जब एतबार को ठेस लगती है तो बाकी रह क्या जाता है। बात मेरी या मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन के ट्रस्ट की है। जब उसे तैमूर पे ट्रस्ट ही नहीं रहा तो फिर ऐसा रिश्ता पायदार कैसे रहेगा? सही कह रहा है ये। आप तो ऐसे कह रहे हैं जिसे तैमूर को जानते नहीं। बचपन से आप लोग जानते हैं, कोई बुराई देखी है कभी उसमें? अभी ये तो आप कह रही है ना। खाला किंसा ठीक कह रही है, अब हमें इस मामले को बाहमी बातचीत से निपटाना चाहिए। और अगर कोई गलतफहमी हो भी गई है तो हम गलतफहमी नहीं, ये तमाशा पूरी दुनिया ने देखा है सुहेल भाई। ठीक है, मैं और सुहेल माफी मांग लेते हैं आप लोगों से। किस बात की माफी? तो फिर क्या चाहते हैं आप लोग? हम कोई ऐसी सॉलिड गारंटी चाहते हैं कि कल को खुदा न खासा कुछ ऐसा वैसा हो तो उसके पैरों तले जमीन तो हो। क्या मतलब? आपको जारा के नाम घर करना होगा और कंपनी के कुछ शेयर्स भी। सोनिया का दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता, उल्टी सीधी हरकतें करती है। अब दुल्हन के रूम में सो रही है, अगर आप ही ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा, उसकी तो शामत आ जाएगी। या अल्लाह तो सोनिया को अक्ल दे दे। रमशा अली, कैसे हो आप? आप लोग इतनी जल्दी आ गए, वो भी चाची के बिना? मामा ने मुझे और रमशा को ड्राइवर अंकल के साथ जबरदस्ती भेज दिया। मैंने मम्मा को कहा था कि हमें जारा आंटी के साथ भेजे, बट नहीं, उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया। और आपको पता है तैमू चाचू बहुत गुस्से में थे, है ना अली? कोई अपनी शादी वाले दिन ऐसे बिहेव करता है क्या? और वो सब लोग एक दूसरे पर बहुत शाउटिंग कर रहे थे। चलो इट्स ओके, हम चेंज करते हैं, जब तक चाची आती है फिर हम एक साथ वेलकम करेंगे, ठीक है? चलो अंदर आ जाओ। चलो, आप लोगों ने कुछ खाया वहां पे?
जारा मेरी जान, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, चल के थोड़ा सा कुछ खा लो। मुझे भूख नहीं है। एक बात कहूं? कही है, सोने तो रही हूं, सबकी बात है। वैसे देखा जाए, सोचा जाए तो ये बात इतनी बड़ी नहीं थी जिसके लिए शादी से इनकार कर दिया जाता। आपके नस्ते की बड़ी बात नहीं है? सारा, तुम तैमूर को हम सबसे ज्यादा जानती हो कि वो किस नेचर का है, सब पता है तुम्हें। भाभी, इंसान की नेचर अनप्रिडिक्टेबल होती है, कब कैसे अपना बहरू बदल ले कुछ भी नहीं कह सकते, तो मैं तैमूर के बारे में कुछ भी कैसे कह सकती हूँ? हाँ, आपके नजदीक ये बात मामूली हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। तुम्हारे लिए क्यों नहीं? औरत को ही झुकना पड़ता है, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए औरत को कदम कदम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। भाभी, पिछली सदी की औरतें ऐसा करती थी, आजकल की औरतों से ऐसी उम्मीद ना रखें, एटलीस्ट मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कर लोगे तुम? तैमूर अपनी पारसाई का सबूत दे, या फिर क्या? ये शादी नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। कान खोल के ये मेरी बात सुन, मैं दुबई तभी जाऊंगा जब तू मेरा निकाह फलक से कराएगी, वरना मेरी तरफ से तू जो है ना, इनकार समझ। ये नहीं हो सकता। अरे तेरा निकाह तो क्या, मैं तो उस फलक के साथ तेरी मंगनी तक भी नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूं कि कैसे करता है तू निकाह। खाला, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। क्यों, होगी ना बेतबारी, सिर्फ माल पैसे की बात आई तो आपको बुरी लग गई, और यहाँ तो मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है, कैसे एतबार कर ले? अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जारा के नाम घर कर देने से इसकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी? कम से कम कोई एहसास तो करेगा अंदर कुछ ऐसा करने से पहले। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो किस बात की शर्म? मिली वो नौटंकी, मिलेगी भी कैसे, इतना बड़ा बोहतान लगा कर गई है वो हम पर, उसकी इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारा सामना कर सके। जी नहीं मिली। सो देख लिया आप लोगों ने? क्या देख लिया, चोर हूं मैं, कुछ गलत किया मैंने? तुम्हारा जमीर अगर इतना साफ होता तो साथ लेकर आते उसे। चोर तो उसके दिल में था, जो इतना घटिया इल्जाम लगाकर अपना घर छोड़कर चली गई, वरना सच होता तो फेस करती ना मुझसे। एक और नई कहानी। बकवास बंद करो अपनी। क्या हो गया तुम लोगों, अभी मैं तुम लोगों के दरमियान खड़ी हूँ, अगर तुम लोग मुझे कुछ समझते हो तो। खाला, घर की बात है, घर के रिश्ते हैं, हमें एक दूसरे की इज्जत का ख्याल होना चाहिए। ये खूब कही आपने, वो तो नजर आ रहा है कि कौन कितना ख्याल रख रहा है। बहरहाल अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बात शहजाद ने कह दी है ना, वो इस मामले को खत्म करने के लिए काफी है। अगर तुम लोग ये घर जारा के नाम कर देते हो और बिजनेस में कुछ शेयर्स नाम कर देते हो तो मुझे जारा की रुखसती करने में कोई एतराज नहीं है। कि मुझे एतराज है। और मुझे भी, मुझे इस सौदेबाजी में ये रिश्ता हरगिज़ कबूल नहीं है। जारा, ये मेरा फैसला है, तुम्हारी नजर में माँ की कोई वक्त नहीं है? हरगिज़ नहीं, मुझे ऐसा रिश्ता हरगिज़ कबूल नहीं है जिसमें एतबार और गारंटी के लिए घर नाम करना पड़े। तैमूर, तुम होश में हो? होश में तो आप लोग नहीं है जो ये सौदेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि तुम ये चाहते ही नहीं थे, क्योंकि तुम्हारी असलियत सबके सामने खुल चुकी है ना, और अभी जो तुम उस लड़की के पास गए थे क्योंकि तुम्हें मुझसे रखनी ही नहीं थी, तुम तो मेरी जिंदगी और मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बों के साथ खेल रहे थे। अपनी बकवास बंद करो जारा। शट अप, तुम होते कौन हो मेरे सामने मेरी बहन पे चीखने वाले?
बताओ मैंने कि मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। हाँ यही तो बोलना है मुझे, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अपना मुंह बंद रखने के लिए इन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, ये चाहते तो मुझे चेक दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चेक नहीं दिया, क्योंकि इनका अकाउंट इनके भाई के साथ जॉइंट अकाउंट है, इसीलिए इन्होंने मुझे कैश रकम दी। मम्मी देख लिया आपने इसकी असलियत? आप अभी भी चाह रही हैं कि मैं इसे कॉम्प्रोमाइज करूं, अपनी बहन का रिश्ता इसको दे दूं? ये बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है ये। अभी इसने मुझे गाड़ी में बताया था कि सबके सामने सच बोलेगी, नाम बताएगी जिसने इसको पैसे दिए। अभी पुलिस को बुलाता हूं, सच बताएगी ये फिर। हाँ तो बुलाओ ना पुलिस को, तुम अमीर लोग पुलिस और कानून को खरीद सकते हो, लेकिन जब जब मुझ जैसी एक बेबस लड़की तुम लोगों के सामने हो ना, मुझे भी खरीद सकते हो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बुला लो पुलिस को। लेकिन याद रखना तैमूर, याद रखना मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी, धोखा दिया है तुमने मुझे। ये बकवास बंद करो तुम, मैं तुमसे जिंदगी भर प्यार करती रहूंगी, जा रही हूँ। तैमूर भाई आप इस हद तक गिर सकते हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जारा मैंने तो सोनिया को उठाया ही नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत तू मेरे कमरे में, दबा यहां से। मुझे बता नहीं सकती थी कि लोग आ रहे हैं। निकल जो निकल जा। तुम लोग खड़े हो यहां, दफा हो यहां से। लेकर चलो यहां से, पागल कहीं चलो। ज़ारा मेरी बच्ची, हम उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था मामा, उसने ये गैर के लिए मुझे धोखा दिया, ऐसा क्यों किया उसने? मामा उसका धोखा मुझे जीने नहीं देगा। बस सारा बस बेटा, ऐसा क्यों किया था मोर ने? बस बेटा जान, बस पता नहीं किसकी नजर लग गई है तैमूर की खुशियों को। कितना खुश था तैमूर, ये क्या हो गया सुहेल? और वो लड़की, तुमने उसकी बेखौफी और दिलेरी को चेक किया? मुझे तो जरा सा भी एतबार नहीं है उस पे। सुहेल
हमारे तैमूर के खिलाफ कोई साजिश हुई है। तैमूर का ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं है, कौन करेगा ऐसा? किसकी नजर लग गई है मेरे घर को? बकवास की थी मैंने कि अपनी माँ के साथ ये शहर छोड़कर तुम चली जाओगी, तुम आई कैसे? वो क्या है ना किंजा मैडम, मुझे लगता है 5 लाख इस काम के लिए बहुत थोड़े हैं, तो आप एक काम करें कि 5 लाख कल सुबह तक और भेजते हैं। और हाँ, सुबह 12 बजे तक मेरे घर पहुंच जाने चाहिए, वरना मैं आपके घर आकर सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन क्या है ना, जल्दबाजी में मैं अपनी सही कीमत नहीं लगा पाई, बस उसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। कल सुबह 12 बजे तक, वरना किंजापी वो दुल्हन नहीं आई। तुम्हें क्या काम है दुल्हन से, जाओ अपना काम करो। दुल्हन नहीं आई, जाओ पागल। ब्लैकमेल कर रही हूं तो मैं देख लूंगी।